तब आपके हाथ में किसी की फोटो थी। हमें किसकी फोटो थी प्लीज बता दीजिए किसकी फोटो थी। आप मुझे आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बता दीजिए किसकी फोटो थी। मेरे चालो रोशनी, फंक्शन शुरू होने वाला है, तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रुकी रहो, मैं जा रही हूँ। अम्मी पर प्लीज, इसका मतलब मैं सही थी और मैं हार नहीं मानूंगी। वो फोटो ढूंढ के रहूंगी, वो फोटो। ये बेबी तो आलिया के बेबी के जैसा है, पर अम्मी के साथ ऐसा कैसे? कबीर, इसका मतलब ये खान बाबा का नहीं, कबीर का बेबी है। फाइनली हमने इस बेबी का नाम डिसाइड कर लिया है। इसका नाम होगा आमिर। आमिर, अब इसे जल्दी से स्कूल भेज दो बस। पीप, क्यों? क्योंकि जल्दी से ये पढ़ लिख ले ताकि आमिर खान का मैं रोज ऑटोग्राफ ले सकूं। आमिर मतलब बादशाह, बादशाह मतलब हुकूमत करने वाला। ये तो सच कहा, जब से इस घर में आया है हम सब पर हुकूमत ही तो कर रहा है। तो इसका नाम है आमिर कबीर जुनैद खान। इस बेबी का पूरा नाम है आमिर कबीर जुनैद खान। What? ये क्या कह रही हो रोशनी? ये तो अमन का बच्चा ही है। ये बेबी कबीर का है और इस बार मेरे पास प्रूफ भी है। ये कबीर के बचपन की फोटो है, सेम टू सेम। और ये कबीर का बेबी है। रोशनी, आपको कैसे पता ये कबीर की फोटो है? आप इस फोटो को पलट कर देखिए, इस पे नाम और डेट दोनों लिखा है। अम्मी, अम्मी प्लीज प्लीज बताइए, ये कबीर की फोटो है ना? अमन,
ये बच्चा तो लगभग एक साल का लग रहा है, लेकिन कबीर तो पैदा होते ही इस घर से दूर चला गया था। परवीन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ये बच्चा जो तुम्हारी गोद में है वो है कौन? हमें बताइए बच्चा कौन है। हम ही एक बार देखने गई थी मैं कबीर को, ये तभी की तस्वीर है। आई एम सॉरी मैंने आप लोगों को बताया नहीं। What? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है खान बाबा? और वो डीएनए टेस्ट, अमित डीएनए ऑलमोस्ट मैच किया था, क्योंकि क्योंकि कबीर इनका भाई है, जुड़वा भाई, ये बेबी इसी खानदान का है। लेकिन खान बाबा का नहीं है, और डीएनए रिपोर्ट बदली भी तो जा सकती है। ये फोटो इसके पास कैसे आया? अलर्ट खान बाबा, उससे पूछने की जरूरत नहीं है, ये लड़की पहले दिन से झूठ बोल रही है। आज तक मैंने लाइफ में जितनी नान खटाई नहीं बनाई, उससे ज्यादा कहानियां ये बना चुकी है। देखिए अभी भी कोई नई कहानी सोच रही है। रोशनी, झूठ मैं नहीं तुम बोल रही हो। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की शक्ल अपने पेरेंट्स के साथ मैच करे। कोई अपनी दादी पर जाता है तो कोई अपने मामा पर। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है अगर मेरे बेबी की शक्ल कबीर से मैच होती है तो? जस्ट बिकॉज मेरे बेबी के भी लंबे और सिल्की बाल है और कबीर के भी लंबे और सिल्की बाल है, इसका मतलब ये नहीं कि कबीर मेरे बच्चे का बाप है। तुमको कैसे पता कबीर के सिल्की बाल थे? फोटोज, मैंने शायद इस घर में कबीर के फोटोज देखे थे। देखो मुझे भूल जाने की आदत है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि कबीर की कोई फोटो घर में नहीं है। तो मैंने मुझे शायद किसी ने बताया होगा। किसी ने कुछ नहीं बताया तुम्हें। तुम कबीर को जानती हो क्योंकि ये कबीर का बेबी है। अनुभव, मैंने आपसे कहा था ना, मैं डे वन से कह रही हूँ कि ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने बोला था कि ये बेबी आपका नहीं हो सकता, मेरी आयाना सेंस कहती थी, और आज ये प्रूव हो गया। कम से कम अब तो मेरा यकीन कीजिए प्लीज। अमन, ये सब इसलिए बोल रही है क्योंकि ये इनसिक्योर है, इसे लगता है कि मैं तुम्हें इसे छीन लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है रोशनी। इस अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से किसी लड़की के कैरेक्टर पर कीचड़ मत उछालो। अमन ये झूठ बोल रही है। खान बाबा, मैं सच बोल रही हूँ। इन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, मैं इस दिल की अच्छी आलिया का एक एक सच सबके सामने लेके आऊंगी। अगर तुम्हें मेरा यहाँ होना इतना ही बुरा लगता है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जाओ ना, जाती क्यों नहीं हो? बार बार बोलती रहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तो जाओ। किसने रोका है तुम्हें? तुमने रोका। पिछली बार जब मैं जाने वाली थी तो तुमने मुझे रोका ताकि तुम मेरी इंसल्ट कर सको, मेरी जासूसी कर सको। अभी तो यकीन हो गया है ना कि बेबी की जान सचमुच खतरे में है। पर बेबी को खतरा किससे? प्रॉब्लमली तुम ही से। एक मिनट, ये क्या बोल रही है?
बिल्कुल कबीर करता था। अलानो इज बेस्ट। एक ना एक दिन झूठ को पंक्चर तो होना ही था, आज हो क्या?